हेलो एंड वेलकम टू वॉक ट्यूटोरियल्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर मैथ्स बुक डेटा हैंडलिंग डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है फॉर एग्जांपल आपके पास कितने टॉयज हैं टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं टॉयज में टॉय कार्स कितनी है डॉल्स कितनी है सॉफ्ट टॉयस कितने हैं ये सब क्या है डेटा है सो so, इस डेटा को आप आगे कैसे इसे लिख सकते हैं ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे इसे आपको प्रेजेंट करना है ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे ऑल राइट स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट डेटा हैंडलिंग अब देखिए आपके सामने एक पिक्चर है पिक्चर में कुछ बच्चे हैं इन्होंने डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हैं कुछ ने ग्रीन कुछ ने ब्लू और दो बच्चों ने येलो कपड़े और एक बच्चे ने पहना है रेड कपड़े और राइट right. तो आपको इस पिक्चर को देखना है और नीचे गिवन टेबल को हमें सॉल्व करना है सो so, पिक्चर में देखिए दो रोज़ हमें गिवन है कलर्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कलर्स में कलर्स के नेम लिखे हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चों ने इस कलर के कपड़े पहने हैं वो हमें लिखना है तो रेड कलर के वन ग्रीन कितने बच्चों ने पहना है वन टू थ्री तो हम यहाँ पर थ्री लिखेंगे Then, ब्लू कितने बच्चों ने पहना है वन टू थ्री एंड फोर हम यहां पर लिखेंगे फोर और येलो कितने बच्चों ने पहना है दो तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू और राइट अब ये जो टेबल हमने फिल कर ली है इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है ये हमें लिखने हैं द मोस्ट लाइक कलर द मोस्ट लाइक कलर मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद जो बच्चों को कलर है यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कलर पहना है ठीक है तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पहना गया है ब्लू कलर कितने बच्चों ने पहना है फोर क्योंकि इस टेबल में हमने फोर लिखा है और इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं इस पिक्चर के बेस पे हमने टेबल में फोर लिखा था सो मोस्ट लाइक कलर कौन सा हो जाता है ब्लू, सो राइट ब्लू ओवर है बी एल यू ई ब्लू, देन कम टू बी पार द लीस्ट लाइक कलर इज लीस्ट लाइक मतलब कब सबसे कम जो लाइक like किया गया है कलर वो कौन सा है सो so, सबसे कम है रेड एक ही बच्चे ने पहना है ना सो so, हम यहाँ पर लिखेंगे रेड आर ई डी रेड और राइट नाओ सी पार्ट में आ जाइए येलो कलर इज लाइट मोर देन येलो कलर ज्यादा पसंद किया गया है किससे तो ये हम क्वेश्चन अपने टेबल से भी देख सकते हैं येलो कलर ज्यादा पसंद किया गया है किससे रेड से येलो दो बच्चों ने पहना है और रेड एक बच्चे ने पहना है तो येलो ज्यादा हो गया रेड से और राइट right. तो येलो कलर इज लाइट मोर देन आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे रेड तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये डेटा है इसके बेस पे हम आंसर्स दे रहे हैं ऑल राइट देन डी पार्ट कलर डैश कलर इज लाइक मोर देन ग्रीन कौन सा कलर ग्रीन से ज्यादा पसंद किया गया है ग्रीन से ज्यादा कौन सा पसंद किया गया है फिर से हम टेबल में देखते हैं ब्लू सो so, हम क्या लिखेंगे ब्लू कलर इज लाइक्ड मोर देन ग्रीन इसका आंसर आप टेबल में देख के लिखिएगा देन ई पार्ट डैश कलर इज लाइक्ड लेस देन डैश तो इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं बस हमें टेबल के कंपैरिजन देखने हैं सो so, कौन सा कलर सपोज हम ले लेते हैं ग्रीन ठीक है ग्रीन कलर इज लाइक्ड लेस देन ब्लू क्योंकि ग्रीन थ्री लोगों ने लाइक किया है और ब्लू फोर बच्चों ने सो हम लिखेंगे ग्रीन कलर इज लाइट लेस देन ब्लू सो ये हमारा डेटा था जिसके बेस पे हमने आंसर्स दिए हैं ऑल राइट नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज पिकनिक डे अब इसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन आर हैविंग अ पार्टी बच्चे पार्टी कर रहे हैं दे आर ईटिंग देयर फेवरेट फ्रूट्स और अपने फेवरेट फ्रूट्स खा रहे हैं तो देखिए इस पिक्चर में सब बच्चों के पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं किसी के पास बनाना है कोई बनाना खा रहा है सम आर ईटिंग गुआवा और कुछ बच्चे एप्पल खा रहे हैं कुछ oranges, और एक बच्चा कीवी भी खा रहा है तो इन सब बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स चूज़ किए हैं एज पर देयर चॉइसेस और उन्हें खा रहे हैं सो so, हमें इस पिक्चर को देखते हुए ये टेबल फिल करनी है और इन क्वेश्चन का आंसर भी देना है सो लेटस डू कंप्लीट द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं एक रो में है फ्रूट्स और अनदर रो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन तो हमें ये फिल करना है कितने बच्चे ऑरेंज खा रहे हैं कितने एप्पल कितने को कीवी पसंद है और कितने बच्चे खा रहे हैं गुआवा सो लेट स्टार्ट तो देखते हैं ऑरेंज कितने बच्चे खा रहे हैं ऑरेंज खा रहे हैं ये दो बच्चे और राइट तो इस टेबल में हम यहां पर लिख देंगे टू देन हम देखेंगे एप्पल कितने बच्चे खा रहे हैं एप्पल खा रहे हैं दो बच्चे एक ये बच्चा और एक ये बच्चा सो so, हम लिखेंगे यहाँ पर टू देन वी कीवी, कीवी कितने बच्चों के पास है वन चाइल्ड ओनली तो यहां पर आप लिखेंगे वन देन गुआवा गुआवा है कितने बच्चों के पास वन टू एंड थ्री सो टेबल में हम यहां लिखेंगे थ्री और राइट सो इस पिक्चर के बेस पे हमने ये टेबल फिल कर दी है टू चिल्ड्रेन ऑरेंजेस टू चिल्ड्रेन Apple, two children, kiwi, sorry one kiwi and three guava. All right, अब हम answers देते हैं So first जो question है उसमें पूछा गया है how many children are there in the picture? पिक्चर में कितने बच्चे हैं तो हम काउंट करेंगे पहले इनको लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितने बच्चे हैं How many children are there? Thirteen. So write fifth over here. One three thirteen. Then come to next question. Number of children who like apples is apple. कितने बच्चे को पसंद है? Number of children. तो हमने तो ये table में भी लिखा है. Table में हमने लिखा है two. All right. दो बच्चों को पसंद है. So we will write two over. Like fruit. सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन सा फ्रूट लाइक like किया है मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा सो पिक्चर में देखते हैं सबसे ज़्यादा तो बच्चे ये खा रहे हैं दिस इज बनाना बनाना कितने बच्चे खा रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव जो कि नंबर ऑफ गुआवा से भी ज़्यादा है गुआवा तो तीन बच्चे खा रहे थे बट बनाना खा रहे हैं फाइव तो मोस्ट लाइक फ्रूट कौन सा हो गया बनाना सो वी विल राइट बनाना ओवर वे बी ए एन एन ए फ्रूट पसंद किया है बच्चों ने सो so, सबसे कम पसंद किया है कीवी सिर्फ एक बच्चे ने पसंद किया है कीवी सो so, हम यहाँ पर लिखेंगे लीस्ट लाइक फ्रूट इज कीवी के आई डब्ल्यू आई राइट लीस्ट लाइक फ्रूट इज कीवी नाओ नेक्स्ट पार्ट ई नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हुआ जिन बच्चों को गुआवा पसंद है वो क्या ज्यादा है कम है या बराबर है किन बच्चों से जिनको एप्पल पसंद है तो गुआवा कितने बच्चों को पसंद है थ्री तीन बच्चों को पसंद है गुआवा और एप्पल पसंद है दो बच्चों को सो क्या हो जाएगा मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक गुआवा थ्री like ज्यादा है टू से सो so हम टिक करेंगे मोर देन पे और आप यहाँ पर मोर देन लिख भी दीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लाइक गुआवा इज मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हुइक एप्पल देन कम टू एफ पार्ट एफ पार्ट में क्या पूछा गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हुइक एपल इज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक एप्पल कितने बच्चों को एप्पल पसंद है दो बच्चों को इज डैश द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक बनाना बनाना कितने बच्चों को पसंद है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बच्चों को सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एप्पल इज लेस देन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एप्पल कम है जितने बच्चों को बनाना पसंद है उससे सो so, हम यहाँ पर किस्मत टिक करेंगे लेस देन में सो so, आप लेस देन में टिक भी कर दीजिए और यहाँ पर हमको लेस देन लिखना भी है लेस देन और राइट देन जी पार्ट जी पार्ट में क्या क्या गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक ऑरेंज ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद था टू इज डैश द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक कीवी सो कीवी तो कम बच्चों को पसंद है तो यहां पर क्या आ जाएगा मोर देन

सो so, ये पिक्चर जो है मॉर्निंग टाइम की है जिसमें कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये इनका स्कूल है और ये सब बच्चे अपने स्कूल में एंटर कर रहे हैं और राइट सो हमें मोड ऑफ कमिंग टू स्कूल मोड ऑफ़ कमिंग टू स्कूल यहाँ पर गिवन है कुछ फुट जा रहे हैं और कुछ ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं साइकिल बाइक स्कूल बस और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे लिखना है कितने बच्चे ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं कितने बाइसिकल से जा रहे हैं कितने बाइक से जा रहे हैं ये हमें इस पिक्चर को देखते हुए काउंट करना है और देन लिखना है ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन फुट तो हमें गिवन है एट बच्चे जा रहे हैं पैदल ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट बच्चे पैदल जा रहे हैं तो इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एट लिखा है देन ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे जा रहे हैं ये हम जो ऑटो में बच्चे बैठे हैं ये काउंट करेंगे सो so, कितने बच्चे के बैठे हैं लेट्स काउंट वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बच्चे दो ऑटो रिक्शा में बैठे हैं सो so, हम यहाँ पर सेवन लिख देंगे देन साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं साइकिल में कितने बच्चे हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बच्चे हैं ना सो वी विल राइट फाइव इन फ्रंट ऑफ बाइसिकल देन बाइक बाइक में कितने बच्चे है सो so, बाइक में दो बच्चे हैं वन एंड टू सो यहाँ पर आप टू लिख दीजिए हम काउंट करेंगे कितने बच्चे बैठे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और राइट सो स्कूल बस में है ट्वेल्व स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पर ट्वेल्व लिख दिया सो so, इस पिक्चर को देखते हुए हमने ये टेबल अपनी फिल कर ली है राइट नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज अब इस पेज में हमें क्या करना है जो जो हमने करी थी, उसे देखते हुए ये है, है. इसमें हमें हमें बनाने हैं और एक एक करना ठीक है जैसे ऑन फुट बाय फुट कितने बच्चे हमने देखे थे कितने बच्चे जा रहे थे एट बच्चे जा रहे थे तो हमने एट फेसेस बना दिए ऑल राइट ऐसे ऑटो रिक्शा से कितने गए सो so, हमने चार्ट में कितने लिखे थे आगे जो हमने टेबल फिल करी थी तो वो नंबर ऑफ फेसेस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऑल राइट सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ड्रॉ करना है जैसे ऑन फुट कितने बच्चे गए थे एट तो हमने एट इस तरह से फेस बनाए देन ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे जा रहे थे सेवन सो so, हम यहाँ पर सेवन फेसेस बनाएंगे ठीक है सेवन फेसेस ऑटो रिक्शा से ऊपर बनाएंगे देन बाय बस कितने बच्चे जा रहे थे ट्वेल्व सो so, आपको यहाँ पर ट्वेल्व फेसेस बनाने हैं ऑलराइट? राइट यहाँ पर हम ट्वेल्व फेसेस बनाएंगे देन बाय बाइक कितने थे स्टूडेंट्स दो टू स्टूडेंट्स थे सो so, आपको टू फेसेस बनाने हैं और बाइसिकल से कितने स्टूडेंट्स जा रहे थे फाइव सो so, आपको इस तरह से फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फेसेस बनाने हैं ऑल राइट इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है बस वाले कॉलम मैंने नहीं बनाया है आप यहाँ पर ट्वेल्व फेसेस बनाएंगे ठीक है देन ए पार्ट देख लेते हैं मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय सबसे ज़्यादा बच्चे किस मोड से स्कूल आते हैं सो so, मैक्सिमम कितने थे सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे थे बस से तो हमने चार्ट देखते हुए ये आंसर देना है तो हमने बस में कितने फेसेस बनाए आपको बस में बनाने हैं ट्वेल्व फेसेस ठीक है 12 तो बस में ट्वेल्व स्टूडेंट्स आ रहे थे सो मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे बस सो वी विल राइट बी एस बस मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस देन बी पार्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय सबसे कम बच्चे किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे थे सो so, टेबल में देखिए सबसे कम बच्चे किससे आ रहे हैं बाइक बाइक में सिर्फ देखिए दो बच्चे आ रहे हैं और राइट तो हम लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बाइक बाय बाइक ओनली टू स्टूडेंट्स और राइट देन सी पार्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग बस ज़ डैश लेस और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम यूजिंग ऑटो रिक्शा तो बस में आने वाले बच्चे ज़्यादा हैं या कम है लेस देन और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हु आर यूजिंग ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा में कितने बच्चे थे सेवन और बाय बस ट्वेल्व सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग बस इज़ मोर देन मोर लिख दीजिए यहाँ पे क्योंकि बस में आने वाले बच्चे ज्यादा हैं ऑल राइट से जो बच्चे ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं सो वी विल राइट मोर और डी पार्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग बाइक बाइक से जो बच्चे आ रहे हैं बाइक से कितने बच्चे आ रहे हैं दो बच्चे सो so, दो बच्चे आ रहे हैं बाइक से सो so मोर है या लेस है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम यूजिंग बाइसिकल बाइसिकल से कितने बच्चे आ रहे हैं

the number of students who come to school using dash is less than the number of students who come using dash so हमने कोई भी example हम इसमें ले सकते हैं let's take the example of bike and bicycle bike और bicycle का हम example ले लेते हैं bike में कितने बच्चे आ रहे हैं टू और bicycle में कितने आ रहे हैं फाइव so bicycle में ज़्यादा आ रहे हैं bike में कम आ रहे हैं so number of students who come to school using बाइक इज लेस देन लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल यूजिंग बाइसिकल और राइट टू इज लेस देन फाइव तो हम इसमें बाइक एंड बाइसिकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं और लिख देते हैं बाइक एंड बाइसिकल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग बाइक इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम यूजिंग बाइसिकल नाउ कम टू एफ पार्ट एफ पार्ट में भी हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग डैश इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग डैश सो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑटो रिक्शा एंड बाइसिकल का ऑटो रिक्शा में कितने बच्चे आ रहे हैं सेवन और बाइसिकल में कितने आ रहे हैं फाइव सो सेवन इज मोर देन फाइव सेवन ज़्यादा होता है फाइव से सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल यूजिंग ऑटो रिक्शा यहां पर लिख दीजिए ऑटो रिक्शा सो ऑटो रिक्शा एंड बाईस की बाइसिकल की स्पेलिंग आप ऊपर से देख लीजिएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल यूजिंग ऑटो रिक्शा इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम यूजिंग बाईसिकल की ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं सेवन स्टूडेंट्स और बाइसिकल से आ रहे हैं फाइव इस पेज में भी देखिए पिक्चर बेस जो पिक्चर इससे पहले वाले पेज में थी उसको देखते हुए हमने इसे सॉल्व किया है पहले एक चार्ट बनाया है यहाँ पर यह चार्ट है हमारा देन इस चार्ट के बेस पे हमने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है और राइट right? तो डेटा हमने यूज कैसे किया है पहले हमने चार्ट बनाया देन हमने क्वेश्चंस का आंसर भी दिया और राइट right? हमने डेटा को चार्ट के फॉर्म में शो भी किया प्रेजेंट भी किया है सो so, हमने डेटा प्रेजेंट करना भी सीखा है ठीक है स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज अगेन वी हैव अ पिक्चर हेयर हमारे पास फिर से एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देखते हुए हमें ये टेबल फिल करनी है ये टेबल है ये फिल करनी है और इस पिक्चर को देखते हुए फिल करनी है सो so, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है गेम्स गिवन है क्रिकेट फुटबॉल देन पिट्ठू गिल्ली डंडा एंड देन कबड्डी कबड्डी का मैट है तो ये सारे पिक्चर्स के हमें पिक्चर्स दी हुई हैं गेम्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फिल करने हैं इस पिक्चर में से काउंट करना है कौन बच्चा कितने बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं नंबर काउंट करके हमें इस टेबल में लिखना है सो so, सबसे पहले देखते हैं ये है क्रिकेट बैट एंड बॉल है यहाँ पे सो so, क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं इस पिक्चर में हमें काउंट करना है सो लेट्स काउंट वन टू थ्री लेट्स काउंट अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये एट बच्चे क्या खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और सो right. so, हम क्रिकेट के आगे एट लिख देते हैं ठीक है स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट फुटबॉल फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर देखते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं ये बच्चे सो so, हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फुटबॉल और राइट सो हम यहाँ पर सिक्स लिख देते हैं देन पिट टू यह है पिट्ठू ये कितने बच्चे खेल रहे हैं लेट्स काउंट पिट्ठू खेलने वाले बच्चे हैं यहाँ पर ये गेम चल रहा है सो so, हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच बच्चे हैं सो so, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइव देन गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा कितने बच्चे खेल रहे हैं ये हम काउंट करते हैं सो so, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं वन टू थ्री फोर फोर देन कबड्डी कबड्डी कितने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे सो so, काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स कबड्डी के आगे हमने लिख दिया है सो so, हमने इस पिक्चर को देखते हुए ये टेबल फिल कर ली है ऑल राइट नाउ स्टूडेंट्स यूज द टेबल टू ड्रॉ फेसेस टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द चार्ट बिलो हमने जो टेबल बनाई है से प्रीवियस पेज में उसे देखते हुए हमें चार्ट ड्रॉ करना है जिससे पहले हमने चार्ट ड्रॉ किया था फेसेस बनाने इस तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक स्टूडेंट के लिए हम एक फेस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है चार्ट ड्रॉ करना है यहाँ पर और फिर यहाँ पर आंसर्स भी देने हैं क्वेश्चन के सो सो सबसे पहले गिवेन है हमारे पास गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा कितने बच्चे खेल रहे हैं हमने काउंट किया था तो क्या आया था फोर आया था सो फोर फेसेस आप इस तरह से बना दीजिए देन कम टू कबड्डी पार्ट कबड्डी कितने बच्चे खेल रहे हैं सिक्स सो so आप यहाँ पर सिक्स फेसेस बनाएंगे तो so इस तरह से आप कबड्डी के ऊपर सिक्स फेसेस बना दीजिए देन पिट्ठू पिट्ठू कितने बच्चे खेल रहे थे फाइव तो फाइव फेसेस हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे सो so हमने पिट्ठू में फाइव फेसेस बनाए हैं कबड्डी में सिक्स और गिल्ली डंडा में फोर देन फुटबॉल फुटबॉल सिक्स सिक्स फेसेस बनाएंगे फुटबॉल में ड्रॉ कीजिए सिक्स फेसेस देन क्रिकेट क्रिकेट में हम ड्रॉ करेंगे एट फेसेस और राइट क्रिकेट में ड्रॉ कीजिए एट फेसेस तो क्रिकेट में हमने एट फेसेस ड्रॉ कर दीजिए आप क्लियर क्लियर फेसेस ड्रॉ कीजिएगा और देन ए ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट में क्या कह रहे हैं द मोस्ट लाइक गेम सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा गेम लाइक कर रहे हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा गेम खेल रहे हैं क्रिकेट क्रिकेट में एट स्टूडेंट्स थे राइट right? तो हम लिखेंगे यहां पर द मोस्ट लाइक्ड गेम इज क्रिकेट यहाँ पर लिख दीजिए क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी द मोस्ट लाइक्ड गेम इज क्रिकेट देन बी पार द लीस्ट लाइक गेम सबसे कम सबसे लीस्ट कौन सा गेम पसंद कर रहे हैं बच्चे गिल्ली डंडा क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसे खेल रहे थे सो so, गिल्ली डंडा यहाँ पर हम लिख देते हैं द लीस्ट लाइक गेम इज गिल्ली डंडा देन पिट्ठू इज लाइक्ड मोर देन पिट्ठू किससे ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो पिट्ठू थे फाइव स्टूडेंट्स जो खेल रहे थे और गिल्ली डंडा फोर सो so, किस ज्यादा पसंद किया जा रहा है सेम गिल्ली डंडा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है सो so, राइट right, गिल्ली डंडा ओवर देन देन कम टू डी पार्ट डैश इज लाइक मोर फुटबॉल किसे फुटबॉल से ज्यादा पसंद किया जा रहा है सो so, फुटबॉल तो सिक्सटी बट फुटबॉल से ज्यादा क्या है क्रिकेट है एट है सो क्रिकेट इज लाइक्ड मोर देन फुटबॉल सो हम लिखेंगे यहां पर क्रिकेट राइट राइट क्रिकेट क्रिकेट इज लाइक्ड मोर देन फुटबॉल स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट लेटर्स डू पार्ट ए इसमें क्या बोला गया है डिस्कस इन योर क्लास एंड आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द द द वेजिटेबल्स दे लाइक मोस्ट कंप्लीट टेबल अब आपको फर्स्ट रो में फिल करना है कौन कौन सी वेजिटेबल आपकी क्लास में बच्चों को पसंद है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों को वो वेजिटेबल्स पसंद है तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स के यहाँ पर नाम लिख देते हैं सो so, हमने फोर वेजिटेबल डिफरेंट वेजिटेबल्स के नाम हमने लिख दिए हैं लेडी फिंगर बीस कैप्सिकम एंड ब्रिंजल लेडी फिंगर एल ए डी वाई एफ आई एन जी ई आर लेडी फिंगर कितने बच्चों को पसंद है सपोज हम लिख देते हैं एट बच्चों को पसंद है देन बीन्स बी ई ए एन एस बीन्स सपोज सेवन एंड कैप्सिकम कैप्सिकम स्पेलिंग सी ए पी एस आई सी सी यू एम कैप्सिकम सपोज फाइव एंड ब्रिंजल Brinjal सपोज थ्री ठीक है ये आपको अपनी क्लास में बच्चों को पूछ करके भी आप लिख सकते हैं सो so, हमने इस तरह से लिख दिया लेडी फिंगर एट बीस सेवन कैप्सिकम फाइव b बी आर आई एन जे एल ब्रंजिल थ्री ठीक है अब इसके बेस पे हमें आंसर्स देने हैं यहाँ पर क्वेश्चन हैं रीड द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट लाइक वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी वेजिटेबल है सो so, सबसे ज़्यादा है लेडी फिंगर सो हम आंसर में यहाँ पर लिखेंगे लेडी फिंगर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट लाइक् वेजिटेबल सबसे कम कौन सी वेजिटेबल पसंद है सो so, हम यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं ब्रिंजिल सबसे कम पसंद है ओनली थ्री सो वी विल राइट ब्रिंजिल ओवर हेयर नाउ थर्ड पार्ट डैश इज लाइक मोर देन डैश तो इसमें आप कोई भी वेजिटेबल फिल कर सकते हैं कंपेरिजन देखते हुए सो कैप्सिकम ज्यादा पसंद है डैश इज लाइक मीन्स कैप्सिकम इज लाइक मोर देन ब्रिंजिल और आप इसमें यह भी लिख सकते हैं लेडी फिंगर इज लाइक्ड मोर देन बीन्स तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैप्सिकम इज लाइक्ड मोर देन ब्रिंजिल नाउ डैश इज लाइक लेस देन डैश सो कोई भी वेजिटेबल हम इसमें ले लेते हैं सपोज हमने बीन्स ले ली तो बीन्स कितनी है सेवन तो बीन्स इज लाइक्ड लेस देन लेडी फिंगर बीन्स कितनी है सेवन और लेडी फिंगर है एट सो बीन्स इज लाइक्ड लेस देन लेडी फिंगर राइट right. फोर्थ भी हमने लिख लिया है तो इस टेबल के बेस पे हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग इन देयर होम्स हमने फ्रेंड्स से आपको पूछना है कि कितने फैमिली मेंबर्स आपके घर में रहते हैं उसके बेस पे हमें ये टेबल कंप्लीट करना है ठीक है so, सो पहले हम ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग टूगेदर वन पीपल अब एक फैमिली मेम्बर तो नहीं होंगे सो वी विल राइट ज़ीरो किसी भी फैमिली में एक मेबर नहीं है सो so हमने लिख दिया जीरो देन टू पीपल टू पीपल लेट्सपोज टू फैमिलीज़ में हमें दो लोग मिल गए सो so हम यहाँ पर टू लिख देते हैं थ्री पीपल तीन लोग कितनी फैमिलीज में थे सपोज फाइव फैमिलीज़ में हमें थ्री पीपल मिले देन फोर पीपल फोर पीपल कितने फैमिलीज़ में थे सपोज टेन देन फाइव पांच लोग कितनी फैमिलीज़ में थे सपोज फिफ्टीन फैमिलीज़ में हमें फाइव पीपल मिले देन सिक्स सिक्स पीपल सपोज नाइन फैमिलीज़ में और मिल गए और राइट एंड सेवन पीपल हमें मिल गए फाइव मोर फैमिलीज़ ठीक है तो हमने ये कॉलम फिल कर दिया टेबल फिल कर दिया है अब इसके पेज पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो so फर्स्ट है मोस्ट फैमिलीज़ हैव डैश पीपल इन देयर होम्स ज़्यादातर फैमिलीज में हैव डैश पीपल इन देयर होम्स सो इस टेबल को देखिए इस टेबल में सबसे ज़्यादा कितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे ज़्यादा हैं फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन फैमिलीज़ में फाइव पीपल हैं सो मोस्ट फैमिलीज़ हैव फाइव पीपल इन द होम्स यहाँ पर फाइव लिख देंगे देन द लीस्ट नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन अ होम सबसे कम नंबर ऑफ पीपल एक फैमिली में कितने थे टू पीपल और वो दो सिर्फ दो फैमिलीज़ में थे टू पीपल सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू देन द नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग फोर पीपल फोर पीपल कितनी फैमिलीज में है ये भी हम इस टेबल को देख के आंसर करेंगे सो so फोर के सामने क्या है टेन सो टेन फैमिलीज़ में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं फोर द नंबर ऑफ फैमिली इज हैविंग मोर देन फोर पीपल मोर देन फोर पीपल कितनी फैमिलीज में है तो मोर देन फोर पीपल है यहाँ पर फाइव पीपल वाली फैमिली सिक्स पीपल सेवन पीपल वाली फैमिली तो ये हम ऐड कर देंगे फोर पीपल से ज्यादा कितनी फैमिलीज में है ये यह हम यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे तो लेट्स ऐड फिफ्टीन प्लस नाइन प्लस फाइव कितना होता है ट्वेंटी नाइन सो ट्वेंटी नाइन फैमिलीज ट्वेंटी नाइन फैमिलीज में फोर पीपल से ज़्यादा थे ठीक है सिक्स पीपल वाली फैमिली भी कंसिडर करेंगे सेवन पीपल वाली भी और फाइव पीपल वाले भी सो so, हमने तीनों को ऐड कर दिया आंसर आ गया हमारे पास ट्वेंटी नाइन और स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट वर्क है सो विजिट नियर बाय फैमिलीज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैमिलीज Which have their grandparents living with them? Record the information to fill the table. So मैंने तो यहाँ पर numbers ऐसे ही ले लिए हैं और आप चाहें तो फैमिली से पूछ भी सकते हैं तो so, हम suppose अब इसमें देखते हैं both grandparents पेरेंट्स कितनी फैमिलीज में हमने बोथ ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादा दादी दोनों हैं सो so, वो हमें फ़िल करना है सो so, और सपोज टेन फैमिलीज में है ओनली फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स मीन सिर्फ दादी है जहाँ पर तो वो है सपोज फिफ्टीन ओनली मेल ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ में सिर्फ मेल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि सिर्फ दादाजी मिले सो so वो थे ट्वेल्व फैमिलीज और नो ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे सो so वह हैं फाइव ये सब नंबर्स हमने लिख दिए हैं ठीक है सो हाउ मेनी फैमिलीज डू यू विजिट सो इन इनको एड करके हम लिख देंगे टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव सो ये कितना होता है फोर्टी टू टोटल फैमिलीज में हम कितनों से मिले इतनी families consider Then, families both grandparents. Both grandparents कितनी फैमिलीज हमने कंसिडर करी हैं आंसर इज फोर्टी टू देन नंबर ऑफ़ फैमिली इज लिविंग विद बोथ ग्रैंड पेरेंट्स बोथ ग्रैंड पेरेंट्स वाली कौन कितनी फैमिलीज थी टेन टेन था ना यहाँ पे सो so, टेन यहाँ पर लिख दीजिए देन हाउ मैनी फैमिलीज लिव विद वन ग्रैंड पेरेंट वन ग्रैंड पेरेंट मीन्स इधर दादी और इधर दादाजी तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे कितना हो गया फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन देन हाउ मेनी फैमिली विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स तो ये था फाइव सो so, ये सब हमने फिल कर लिए हैं ऑल राइट सो हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर हो गया है कंप्लीट इसके नेक्स्ट चैप्टर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां पर क्लिक करके पजल्स चैप्टर का लिंक वहां से आप देख सकते हैं पजल्स चैप्टर और अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर जरूर विजिट कीजिएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय